आज मैं दो पदों वाले गुणनखंड बताता हूँ। ये शॉर्ट तरीके से ही बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक एक्स स्क्वायर इधर की घात भी 2 होनी चाहिए और माइनस इसे 16 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2, यानी कि 4 का वर्ग 16 होता। तो यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो आप इसे क्या करेंगे, जब ऐसा पद बन जाएगा तो एक बार जोड़ेंगे एक्स प्लस 4 और एक बार घटा देंगे एक्स माइनस 4। ये हमारे इसके आंसर आ गए। अगर इसका मूल निकालने हो तो मूल हो जाएगा हमारे एक्स बराबर, ये इधर प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का, और ये माइनस का तो हम इसे बताएंगे प्लस का। एक्स बराबर -4 और एक्स बराबर +4। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर -81 के गुणनखंड करने हैं। तो मैंने अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, -81 को ऐसे तोड़ लेंगे कि इसकी घात 2 हो जाए, तो लिख लिया हमने 9 की घात 2। तो आप क्या करेंगे, बस एक बार जोड़ेंगे एक्स प्लस 9 और एक बार इसे घटा देंगे एक्स माइनस 9। अगर हमें ये इसके गुणनखंड आ गए, अगर इसके मूल पूछ ले तो एक्स बराबर बता देंगे ए प्लस का तो इसे बताएंगे -9, और ये माइनस का तो इसे बताएंगे प्लस के। तो ये इसके आगे एक्स बराबर -9 और 9, ये इसका आंसर हो गया।